Hey guys, welcome back to my channel, and this is Manish Verma. So in this video we have to be seen that variables are used in PHP. So हम basic variables के बारे में जानेंगे PHP के अंदर. So basic variable के हम बाद थोड़ा धीरे धीरे advanced variable की तरफ जाएंगे, जो कि PHP में और भी functionality include होती है variables के लिए. So first of all, what are variables? So simple text में what are variables? Variables are container for storing information. So if anybody asks you that what are variables, so you just tell that variables are container for storing information. Variables एक container है information store करने के लिए. कोई भी data या फिर information जो होती है store करनी है तो उस variable के अंदर ही store करते हैं. variable के अंदर इसके लिए store करते हैं if we want information after some movement, then we have used the variable name and then we access that information. Creating or declaring PHP variables. In PHP, a variable start with the dollar sign. Make sure हम जब भी variable को call करेंगे और या फिर declare करेंगे, so हमें डॉलर साइन की बहुत इंपॉर्टेंस रहेगी. पीएचपी के अंदर डॉलर साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेनेवर वी यूज अ वेरिएबल्स. ओके, व्हेनेवर वी यूज अ वेरिएबल वी मस्ट यूज अ डॉलर साइन एट द बिगनिंग ऑफ द स्टार्टिंग वेरिएबल. सो डेटा टाइप्स इन पीएचपी आर लूजली कपल्ड. सो पीएचपी में हमने ये एक नोटिस करी होगी चीज, जो कि डेटा टाइप्स है वो लूजली कपल्स है. लूजली कपल्स मतलब, जैसा कि सपोज मैं ये मान के चलता हूँ कि आपका बैकग्राउंड सी या सी प्लस प्लस से हो चुका है. सो यू ऑलरेडी नो दैट कि सी और सी प्लस प्लस में हम लोग जब भी वेरिएबल को डिक्लेयर करते थे, तो डिक्लेयर करने के पहले हम लोग उस वेरिएबल का डेटा टाइप लिखते थे. सपोज इफ़ यू वॉन्ट टू डिक्लेयर द इंटीजर वेरिएबल, सो यू मस्ट राइट द इंट देन द वेरिएबल नेम equals to then the integer, suppose 11. If you want to declare the string, then you must have to be written the char, so variable name equals to us character जो कि hello world character आपको store करना है. So basically मेरा ये कहने का मतलब है कि हम लोग जब भी declare करते थे variable, तो हम लोग उसका type लिखते थे कि ये किस type का data types है. इस PHP language में हमें इसकी required नहीं है. ये PHP लैंग्वेज लूजली कपल्ड है. ये ऑटोमेटिकली एनालाइज कर लेता है कि ये जो यूज़र है, जो प्रोग्रामर है, वो क्या स्टोर करना चाहता है वेरिएबल के अंदर, जो कि हम देख रहे हैं. तो ये रहा हमारा PHP का कोड. सो इस कोड के अंदर हमने सिंपल पहले तो ये किया है डॉलर टैक्स. टैक्स के अंदर हेलो वर्ल्ड स्टोर किया है. सो मेक श्योर जब भी आप स्ट्रिंग स्टोर करें तो डबल कोट्स के अंदर ही स्टोर करें. अगर आपको स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो डबल कोट्स के अंदर स्टोर नहीं करोगे, तो फिर पीएचपी कभी भी नहीं एनालाइज कर पाएगा कि आपने ये क्या स्टोर किया है. इफ़ यू वांट टू स्टोर अ स्ट्रिंग, यू मस्ट राइट द डबल कोट्स इन बिटवीन दैट यू हैव राइट योर स्ट्रिंग. आफ्टर दैट हमने 5 स्टोर किया है एक्स के अंदर, और फ्लोट वैल्यू जो आप करना चाहते हो स्टोर वो भी आप कर सकते हो. जैसा कि वाई के अंदर मैंने 10.5 स्टोर किया है, और इंटीजर वैल्यू एक्स के अंदर मैंने स्टोर किया 5. सो इसको हम प्रिंट कैसे करेंगे, वही इको से हम प्रिंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, आफ्टर एग्जीक्यूशन स्टेट, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट जो हमने पहले की देखी थी उसके एग्जीक्यूट होने के बाद, above the variable txt will hold the value hello world. ये txt क्या hold करेगा, sorry for that, hello world. okay, the variable x will hold the value 5. जो variable x है वो क्या hold करेगा, 5 value hold करेगा. and the variable y will hold the 10.5. thing to be keep in mind, हमेशा ये एक चीज़ याद रखना
कि नोट व्हेन यू असाइन अ टेक्स्ट वैल्यू टू अ वेरिएबल पुट डबल कोट्स और कोट्स अराउंड दी वैल्यू। जब भी आप टेक्स्ट असाइन कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल को तो आपको कोट्स या फिर डबल कोट्स डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पीएचपी हैज नो कमांड फॉर डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। इट इज़ क्रिएटेड द मोमेंट यू फर्स्ट असाइन अ वैल्यू इट। जैसे कि मैंने कहा कि ये पीएचपी लैंग्वेज में हम लोग जो भी वैल्यू डालते हैं तो उसी से वो एनालाइज कर लेता है कि ये कौन सी वैल्यू होगी। ये अगर 5 डाला था हमने पिछले स्लाइड में, अभी सॉरी 5, तो ये इंटीजर एनालाइज कर लेगा। जैसे 10.5 है तो ये फ्लोट एनालाइज कर लेगा। जो कि हमने स्ट्रिंग डाला था तो ये इससे स्ट्रिंग एनालाइज कर लेगा। ओके, पी एच पी वेरिएबल्स। अ वेरिएबल कैन हैव अ शॉर्ट नेम लाइक एक्स, एंड वाई, और अ डिस्क्रिप्टिव नेम। डिस्क्रिप्टिव नेम मतलब जैसे कि एज, कार नेम और टोटल वैल्यूज, ये डिस्क्रिप्टिव नेम होते हैं जिससे कि हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं एज अ प्रोग्रामर कि ये कौन सा वेरिएबल कहाँ क्यों यूज़ हो रहा है। मतलब एज, तो एज से हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि हाँ भाई एज इसी चीज़ के लिए यूज़ हो रही होगी, उम्र के लिए, जो कि किसी इंडिविजुअल पर्सन की होगी। ओके, तो ये डिस्क्रिप्टिव नेम है जो कि हम यूज़ करते हैं। रूल फॉर पीएचपी वेरिएबल्स। पीएचपी वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं जो कि हमें रिमाइंड और कीप इन माइंड रखने चाहिए, जो कि है फर्स्ट, अ वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन, जो कि हमने पहले ही देख लिया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल इसमें। अ वेरिएबल स्टार्ट विद द डॉलर साइन फॉलोड बाय द नेम ऑफ द वेरिएबल। अ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और द अंडरस्कोर कैरेक्टर। वेरिएबल का नाम हमेशा स्टार्ट होगा लेटर से और अंडरस्कोर कैरेक्टर से। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट स्टार्ट विद अ नंबर। वेरिएबल का नेम कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। अ वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फानुमेरिक कैरेक्टर्स एंड अंडरस्टूड, सपोज ए जी, ए स्मॉल जी, 0, 9 एंड अंडरस्कोर। सो इसी चीज से वेरिएबल स्टार्ट होगा। वेरिएबल नेम आर अ केस सेंसिटिव। यस ऑफ कोर्स, वेरिएबल नेम हमारा केस सेंसिटिव रहेगा पीएचपी में। और सपोज एज स्मॉल में लिखा है एंड एज कैपिटल में लिखा है तो ये दोनों डिफरेंस वेरिएबल रहेंगे पीएचपी के अंदर। ओके, तो ये तो हमको रूल्स पहले से ही पता होंगे, जो कि हम लोग अगर सपोज प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से है तो। आउटपुट वेरिएबल, द पीएचपी इक्वल स्टेटमेंट इज ऑफ्टन यूज टू आउटपुट डेटा टू द स्क्रीन। सो पीको स्टेटमेंट हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं आउटपुट डाटा के लिए। तो मैंने इसमें एक सिंपल एग्जांपल लिया है जो कि है पीएचपी के अंदर टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा है w3school.com, फिर बाद में मैंने लिखा है आई लव w3school। तो बस इसको मैंने प्रिंट किया है, सिंपल है। ओके, इसको हमें ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन मैंने एक इसमें और चीज़ की है, अपेंडिंग आउटपुट वेरिएबल विथ स्टैटिक टेक्स्ट। मतलब कि मेरा इसमें जो टेक्स्ट था पहले का वो स्टैटिक मोड में नहीं था, मैंने इसके अंदर ही डबल कोट्स के अंदर ही टेक्स्ट को कॉल कर दिया था। टेक्स्ट को कॉल करने से मतलब है कि मैंने जो आई लव डैश में डैश सॉरी स्पेस के बाद मैंने जो अंडर सॉरी डॉलर txt के कॉल किया, जो कि ये स्टोर करता है वैल्यू, वो इधर आ जाएगी, वो इधर आ जाएगी। ठीक है, तो वो इसमें आने के बाद तो हमें हमें अपना आउटपुट जो ब्राउज़र में है वो कुछ ऐसा दिखाई देगा, फिर बाद में w3school.com, बाद में .com दिखाई देगा। ओके, तो ऐसा कुछ हमें ऐसा हमें ब्राउज़र में दिखाई देगा। दूसरी मेथड में क्या किया, ये स्टैटिक टेक्स्ट लिया है। मतलब कि ये जो टेक्स्ट है वो स्टैटिक रहेंगे, हम लोग वेरिएबल चेंज कर सकते हैं इसके बीच का, जो कि आप देख सकते हो। कैसे किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, डॉट डॉलर साइन txt डॉट डॉलर साइन एक्सक्लेमेशन मार्क डॉलर साइन। ओके, तो मतलब ये मैंने डॉलर साइन के अंदर सॉरी डॉलर साइन txt कॉल किया ये दो वेरिएबल के अंदर। ठीक है, ये दो वेरिएबल के अंदर कॉल किया। अब ये दो वेरिएबल के अंदर कॉल करने के लिए मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप देख सकते हो कि मैंने इसमें डॉट का इस्तेमाल किया है, जो कि आप देख सकते हो डॉट।
जो कि इन दोनों को कॉन्कैटिनेट करके रहेगा। कॉन्कैटिनेट मीन्स अपेंडिंग, अपेंड कर देगा। हमेशा आप जब भी अलग से वेरिएबल कॉल करना चाहते हो इको के अंदर, तो डॉट ऑपरेटर का जरूर यूज करें, तभी वो कॉल होगा, वरना एरर शो करेगा। ओके, एडिंग टू नंबर्स। सो अभी वेरिएबल में हम लोग एडिंग टू नंबर्स करेंगे, जो कि बहुत सिंपल है, जिसमें कि एक्स में 5 स्टोर है, 5 में 4 स्टोर है, तो इन दोनों का एडिशन होगा ये। फिर बाद में PHP इज अ लूजली टाइप लैंग्वेज, जो कि हमने पहले समझ लिया है। हैव यू नोटिस दैट वी डिड नॉट हैव टू टेल PHP, हैव यू नोटिस दैट वी डिड नॉट हैव टू टेल PHP विच डेटा टाइप द वेरिएबल इज। PHP ऑटोमेटिकली कन्वर्ट द वेरिएबल टू द करेक्ट डेटा टाइप, यस, डिपेंडिंग ऑन इट्स वैल्यू। इट्स इन अनदर लैंग्वेजेस सच एज C++ एंड जावा, द प्रोग्रामर मस्ट डिक्लेयर द नेम एंड टाइप ऑफ द वेरिएबल बिफोर यूजिंग इट। इन PHP, ये PHP के स्कोप्स अभी हम देखेंगे कि स्कोप्स PHP में कुछ दिए, जो कि है लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक। सो इन PHP वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर एनी वेयर इन दिस स्क्रिप्ट। इन PHP वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर एनी वेयर इन दिस स्क्रिप्ट। द स्कोप ऑफ अ वेरिएबल इन द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस यूज। सो मतलब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो PHP के अंदर वेरिएबल्स हैं, हम लोग उसको कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं पूरी स्क्रिप्ट के अंदर, और जो स्कोप रहता है वेरिएबल का इज द पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, ये एक स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, वेयर द वेरिएबल कैन बी रेफरेंस और यूज। सो हम ये इस पेज का और स्क्रिप्ट का पार्ट होता है, जहाँ पर हम लोग उस वेरिएबल को कहीं से भी यूज़ कर सकते हैं और रेफरेंस दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग उसमें तीन तरीके से स्कोप डाल सकते हैं, जिसके थ्रू हम लोग उस वेरिएबल को यूज़ कर सकते हैं। सो पहला स्कोप हमारा रहेगा लोकल, दूसरा स्कोप रहेगा ग्लोबल, तीसरा स्कोप रहेगा स्टैटिक। सो लोकल, ग्लोबल, स्टैटिक, आप इसको समझ सकते होंगे इसके वर्ड सजेशन से, कि लोकल हमेशा लोकल में यूज़ होगा, ग्लोबल हमेशा ग्लोबल में यूज़ होगा, और स्टैटिक मीन्स एक स्टैटिक वेरिएबल होता है जो कि स्टैटिक गिना जाता है। फिर बाद में हम इसको वापस से कॉल करते हैं तो उसकी वैल्यू डेड नहीं होती है, उसकी वैल्यू जो पहले थी वही रहेगी। फिर उसको हम वापस से कॉल करेंगे तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। सो उसके एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जिससे कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो पहला आता है हमारा ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप के अंदर अ वेरिएबल डिक्लेयर आउटसाइड अ फंक्शन हैज़ अ ग्लोबल स्कोप एंड कैन ओनली बी एसेस आउटसाइड अ फंक्शन। मतलब ग्लोबल स्कोप जो है वो हमेशा आउटसाइड द फंक्शन डिक्लेयर होगा, और कैन ओनली बी एसेस आउटसाइड द फंक्शन, जो कि ग्लोबल स्कोप आउटसाइड डिक्लेयर होगा और खाली एसेस आउटसाइड द फंक्शन होगा। सो इसका एग्जाम्पल ये रहा ग्लोबल स्कोप का। सो पहले हमने देखा PHP टैग हमने डाला, जो कि ये रहा। PHP टैग के अंदर हमने ये लिखा एक्स इक्वल्स टू 5, जो कि ग्लोबल है, इक्वल्स टू 5 जो कि ग्लोबल स्कोप में कॉल हुआ है, मतलब कि बाहर कॉल हुआ है। उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया, जो कि फंक्शन जिसका नाम है माई टेस्ट। माई टेस्ट फंक्शन के अंदर यूजिंग एक्स इनसाइड द फंक्शन विल जनरेट एन एरर। ओके, यूजिंग एक्स इनसाइड द फंक्शन विल जनरेट एन एरर, ये एक एरर जनरेट करेगा जब हम इसको अंदर फंक्शन के अंदर कॉल करेंगे और यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पर यूज़ किया है। बट अगर मैं बाहर यूज़ करूँगा तो मुझे बाहर एरर नहीं आएगी, बाहर मुझे इसकी वैल्यू इजीली मिल जाएगी, जो कि यहाँ से यहाँ आती है। मुझे फंक्शन के अंदर उसकी वैल्यू एक्सेस नहीं हो पाएगी, बिकॉज इज अ ग्लोबल स्कोप, और मैंने यहाँ पर ये फंक्शन को कॉल किया, जो कि ये रहा, ठीक है। इस फंक्शन को, माई टेस्ट फंक्शन को मैंने यहाँ पर कॉल किया है, और बाद में मैंने इको प्रिंट किया है। इको प्रिंट में मैंने लिखा है पी, मतलब जो कि एचटीएमएल का पैराग्राफ टैग होता है, वेरिएबल एक्स आउटसाइड फंक्शन इज एक्स, जो कि इसमें वैल्यू आ जाएगी हमारी 5, और इसमें जो वैल्यू आएगी इसमें वो एरर आएगा, ठीक है। तो ये ग्लोबल स्कोप होता है। अब लोकल स्कोप में क्या है, लोकल स्कोप इज ऑलवेज यूज
इनसाइड द फंक्शन, इट्स कैन नॉट एसेस आउटसाइड द फंक्शन। ओके, लोकल स्कोप हमेशा इनसाइड द फंक्शन यूज होगा, डिक्लेयर होगा, और ये बाहर यूज नहीं हो सकता। सो इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग, जो कि मैंने फंक्शन को अगेन यहाँ पर कॉल किया है, फंक्शन बनाने के बाद फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन की बॉडी के अंदर मैंने लिखा है एक्स इक्वल्स टू 5, फिर एक्स की जो वैल्यू मैंने 5 रखी है उस वैल्यू को मैंने यहाँ कॉल किया है, तो यहाँ पर मुझे 5 वैल्यू आ जाएगी। देन मैं अगर इसको बाहर कॉल करने जाऊँगा तो बाहर मुझे एरर शो करेगा, तो यहाँ पर मेरे को वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पर मुझे एरर आएगा और ये वैल्यू मेरे को शो करेगा। ठीक है, सो ये एक मेथड होता है, ये कीवर्ड्स है जो कि हम लोग पीएचपी में यूज़ करते हैं, ग्लोबल और लोकल। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट परफेक्टली। अभी हम कीवर्ड पे आते हैं। द ग्लोबल कीवर्ड, सॉरी, द ग्लोबल कीवर्ड इज यूज टू एसेस अ ग्लोबल वेरिएबल फ्रॉम विद इन अ फंक्शन। ओके, टू डू दिस द यूज द ग्लोबल कीवर्ड बिफोर द वेरिएबल्स, मतलब कि ग्लोबल कीवर्ड हम लोग यूज कर सकते हैं, एसेस कर सकते हैं इनसाइड द फंक्शन। मतलब सपोज जो कि हमने पहले देखा था कि हम लोग फंक्शन के बाहर ग्लोबल स्कोप जो कि हमारा था वेरिएबल जो कि हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किया था और हम फंक्शन के अंदर इसको यूज नहीं कर पा रहे थे, सो अभी हम यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द ग्लोबल कीवर्ड। सो हम देखते हैं कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सबसे पहला ग्लोबल स्कोप। ठीक है, ये हमारा ग्लोबल स्कोप है। अब ग्लोबल स्कोप जो है, ये ग्लोबल स्कोप, ठीक है, अब ये ग्लोबल स्कोप जो है हमको यहाँ पर यूज़ करना है फंक्शन के अंदर, और ये फंक्शन हमारा ये रहा, फंक्शन टेस्ट यहाँ पर कॉल हो रहा है। अब हमने क्या किया है, अब हमने, आप देख सकते हो, पेन को ऑफ कर देता हूँ, थोड़ा जूम कर देता हूँ। अभी आप देख सकते हो कि ग्लोबल हमने फंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ किया है, फंक्शन यूज़ करने के बाद हमने यहाँ पर ग्लोबल लिखा है, ग्लोबल एक्स एंड वाई, मतलब कि जो एक्स एंड वाई जो ग्लोबली डिक्लेयर हुए जो कि ये रहे वो मैं यहाँ पर एसेस करना चाहता हूँ। तो मैंने इसको एसेस करने के लिए ग्लोबल x कॉमा $y सेमी कॉलन, उससे मैंने एसेस करने की कोशिश करी है। तो मैंने एसेस कर लिया पहले, एसेस करने के बाद मैंने क्या किया, मैंने $y के अंदर एक मैथमेटिकल प्रोसेस करी जो कि ग्लोबल $y इक्वल्स टू $x+$y, मतलब x में क्या स्टोर थी वैल्यू 5, y में क्या स्टोर थी 10। अब y और x को प्लस करने के बाद वैल्यू 5 और 10 प्लस होने के बाद 15 होती है, तो 15 वैल्यू कहाँ जाएगी, वाई के अंदर। अब वाई के अंदर वो वैल्यू जाने के बाद मैंने क्या किया है, मैंने उस फंक्शन को बाहर कॉल किया। अब उस फंक्शन को कॉल करने के बाद प्रिंट किया जो कि वाई की वैल्यू थी मेरी, मेरी वाई की वैल्यू पहले क्या थी 10। अब मैंने अंदर मैथमेटिकल प्रोसेस करने के बाद वाई की वैल्यू को 15 में कन्वर्ट कर दिया है, जो कि यहाँ पर 15 आउटपुट में देख सकते हो, इको 5 15। सो ये पूरी मैथमेटिकल प्रोसेस थी थोड़ी, जिससे कि हम इजीली अंडरस्टूड कर सकते कि ये जो था हमारा ग्लोबल कीवर्ड वो कैसे यूज़ हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वाई में एक्स में 5 स्टोर किया, वाई में 10 स्टोर किया, फिर फंक्शन बनाया जो कि माई टेस्ट है, उसके अंदर ग्लोबल एक्स और वाई डिक्लेयर किया जिससे कि मैं जो बाहर वाली जो वैल्यू है उसको एसेस कर सकूँ। पहले मैंने एसेस कर दिया, एसेस करने के बाद वाई के अंदर x+y स्टोर किया, फिर बाद में उस फंक्शन को कॉल किया, फिर बाद में उसकी वैल्यू एसेस करी जो कि ये रही। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड इज पीएचपी ग्लोबल्स। सो पहला हमारा क्या था, ग्लोबल, अब हमारा आ रहा है ग्लोबल्स। सो ग्लोबल और ग्लोबल्स में डिफरेंस होते हैं तो जो कि अभी हम जानेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीएचपी आल्सो स्टोर ऑल ग्लोबल वेरिएबल इन एन एरे कॉल्ड ग्लोबल्स इंडेक्स। सो पीएचपी स्टोर करता है सारे के सारे ग्लोबल वेरिएबल को इन एन एरे कॉल्ड ग्लोबल्स इंडेक्स। ओके, सो इंडेक्स मतलब जो कि एरे के
इंडेक्सेस है 0, 1, 2, 3, 4। दी पीएचपी होल्ड द नेम ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो इंडेक्स की जगह जो पीएचपी क्या करेगा वहाँ पर वो होल्ड करेगा वेरिएबल्स के नेम। दिस एरे इज ऑल्सो एक्सेसिबल फ्रॉम विद इन फंक्शन एंड कैन बी यूज टू अपडेट ग्लोबल वेरिएबल डायरेक्टली। सो ये एक ऐसी एरे है जो कि हम एसेस कर सकते हैं विद इन दि फंक्शन, और इसको हम लोग अपडेट भी कर सकते हैं ग्लोबल वेरिएबल को डायरेक्टली। सो जानते हैं कैसे। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक एक्स इक्वल्स टू 5 जो कि सेम एग्जाम्पल है पिछली बार की तरह। सो एक्स में मैंने क्या किया, 5 स्टोर किया है। मैं एक पेन ले लेता हूँ पहले। मैंने 5 स्टोर किया है। 5 स्टोर करने के बाद मैंने फंक्शन के अंदर माय टेस्ट फंक्शन क्रिएट किया है, उसके अंदर मैंने ग्लोबल्स जो कि कीवर्ड है ग्लोबल्स, उसके अंदर इंडेक्स में मैंने वाई को कॉल किया। वाई वाई हमारा ये रहा। अब उसके बाद इक्वल्स टू वही सेम प्रोसेस पहले की चलाई है मैथमेटिकल, ग्लोबल एक्स जो कि ये रहा, फिर बाद में ग्लोबल वाई जो कि ये रहा। अब इन दोनों को प्लस करने के बाद तो 5 प्लस 10 प्लस होने के बाद 15 स्टोर होगा, तो यहाँ पर 15 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसमें क्या किया, हमने सिंपल इसमें एक एरे के फॉर्म में एक ग्लोबल्स यूज़ किया जो कि ग्लोबल्स, उसके अंदर इंडेक्स जो कि वाई है। बट हाँ, इसमें एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि हमने इसमें डॉलर साइन नहीं लिखी है। कॉट्स के अंदर वाई लिखा है, कॉट्स के अंदर एक्स लिखा है, जो कि इजीली एसेस कर लेगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। और हमेशा हम लोग ग्लोबल्स उसका ही बना सकते हैं जो कि वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर है, जो कि बना हुआ है, जो कि यहाँ पर ये रहा। ओके, सो ग्लोबल्स। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट बेसिक एग्जाम्पल। सो इसके कुछ डिफरेंस में चलते हैं कि ग्लोबल्स और ग्लोबल में क्या डिफरेंस है। तो ग्लोबल इज पोटेंशियली मार्जिनली फास्टर। तो ग्लोबल हमारा जो है वो ग्लोबल से फास्टर है, इट विल रेयरली मेक अ डिफरेंस। ओके, ग्लोबल्स नॉट ग्लोबल, ग्लोबल्स हमारा ग्लोबल नहीं है, एक बात याद रखना। इट्स मोर ग्लोबल्स हमारा इज मोर रीडेबल बिकॉज एवरी टाइम यू सी इट, मतलब हम लोग ये बहुत रीडेबल रहता है, इसको हम एवरी टाइम सी कर सकते देख सकते हैं कि ये है किस चीज़ का, ग्लोबल्स है वाई का, तो हम इजीली वहाँ पर जाके देख सकते हैं। बट इधर क्या था, इधर हमने एक बार डिक्लेयर कर दिया इसको, यहाँ पर एसेस कर ली वैल्यू, फिर बाद में हमने यहाँ पर लिखना चालू कर दिया। अगर सपोज मैंने पहले ही फंक्शन मेरा बहुत बड़ा है, तो सपोज मेरा फंक्शन 200 to 500 लाइन का कुछ हो जाता है, 200 to 250 लाइन का कुछ हो जाता है, तो मैंने पहले ये एक्स और वाई ग्लोबल डिक्लेयर कर दिया, बाद में मैं इसको एसेस करना चाहूँ तो मुझे नहीं पता होगा कि मैंने इसको एसेस किया है कि नहीं किया, तो मुझे वापस से जाके ऊपर देखना पड़ेगा मैं कि मैंने इस ग्लोबल को एसेस किया है, देन ही मैं इसको वापस देन ही मैं इसको सिंपली कॉल करूँ ऐसे, या फिर मैं इसको पहले एसेस करूँ, तो इसमें थोड़ी इश्यूज और बग जनरेट हो सकता है। तो इसके लिए ग्लोबल्स बहुत अच्छा रहता है बिकॉज इस एवरी टाइम यू सी इट यू नो यू आर एसेसिंग चेंजिंग अ ग्लोबल वेरिएबल, दिस कैन क्रूशियल इन अवॉइडिंग नेस्टी बग्स। यस ऑफ कोर्स, इस ये मैं यूज ये क्रूशियल बग्स को अवॉइड करता है। इनसाइड अ फंक्शन इफ यू वॉन्ट टू अनसेट अ ग्लोबल वेरिएबल यू मस्ट यूज अनसेट अ ग्लोबल वेर नेम। अगर आपको अपने वेरिएबल को अनसेट करना है, मतलब सपोज वेरिएबल के अंदर ये वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है, इस वैल्यू को अनसेट करना है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, अनसेट ग्लोबल वेर नेम नॉट बट नॉट वेर नेम, अनसेट वेर नेम। ओके, ये नहीं होगा, हम लोग ऐसे इसको अनसेट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज द पीएचपी स्टैटिक कीवर्ड। नॉर्मली व्हेन द फंक्शन इज कंप्लीटेड एग्जीक्यूटेड और ऑल ऑफ इट्स वेरिएबल आर डिलीटेड, मतलब कि नॉर्मली हमें क्या होता है कि जो भी हमारा फंक्शन है जो वैल्यू एग्जीक्यूट करता है, तो सारी वैल्यू की जो वैल्यू है वेरिएबल्स की जो वैल्यू है वो सारी डिलीट करता है कि कौन सी वैल्यू पहले थी। तो ये हर एक फंक्शन में ऐसे ही रूल फॉलो होते हैं। हाउएवर समटाइम वी वॉन्ट अ लोकल वैल्यू लोकल वेरिएबल्स नॉट टू बी डिलीटेड, वी नीड इट फॉर अ फर्दर जॉब। अगर सपोज हमें कोई ऐसी वैल्यू है जो कि हम डिलीट नहीं करना चाहते, हमको उसको फर्दर जॉब की रिगार्डिंग के लिए यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करेंगे जो कि ऐसे यूज होगा।
मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया माय टेस्ट, उसके अंदर मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है। फिर स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने के बाद उसके अंदर मैंने स्टैटिक कीवर्ड यूज़ किया है। स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करने के बाद मैंने इको एक्स लिखने के बाद जो मेरा एक्स था उसको इंक्रीमेंट किया है। सो आप समझ सकते हैं कि मैंने इसमें फिर बार मैंने 3 बार मतलब 3 टाइम्स मैंने उस फंक्शन को कॉल किया है। तो मेरी वैल्यू पहले हमारी आएगी 0 1 2, तो मतलब पहले मेरी वैल्यू थी 0, तो वो प्रिंट कर देगा इसको 0, ठीक है। फिर बाद में मेरी वैल्यू आएगी, फिर बाद में क्या होगा, प्रिंट करने के बाद 0 मेरी वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं, तो एक्स प्लस प्लस तो 1 हो जाएगा। 1 होने के बाद मैं उस फंक्शन को यहाँ पर वापस से कॉल करूँगा। तो फंक्शन को वापस से कॉल करने के बाद जो मेरी वैल्यू है वो इधर आ गई 1, तो 1 आने के बाद प्रिंट क्या करेगा 1। फिर बाद में 1 प्रिंट करने के बाद एक्स प्लस प्लस, तो एक्स प्लस प्लस में 2 आएगा। अब 2 आने के बाद मैं उस फंक्शन को वापस से कॉल कर रहा हूँ, देन उस फंक्शन को अगेन कॉल करने के बाद जो मेरी वैल्यू रहेगी वैल्यू इको एक्स, सो इधर 2 आ जाएगी। सो 1012 आउटपुट होगा। ओके, द स्टैटिक कीवर्ड क्यों यूज होता है, देन इस टाइम द फंक्शन इज कॉल्ड दैट वेरिएबल विल स्टिल हैव द इंफॉर्मेशन इट कंटेन फ्रॉम द लास्ट टाइम। मतलब कि ये वेरिएबल हम लोग हमेशा कॉल करेंगे तो ये वेरिएबल के पास हमेशा इंफॉर्मेशन रहेगी लास्ट टाइम वैल्यूज की। ओके जो हमने लास्ट टाइम वैल्यू जो हमारी थी उस वैल्यूज की इंफॉर्मेशन ये हमेशा रखेगा। द फंक्शन वॉज कॉल्ड, नोट द वेरिएबल इज स्टिल लोकल टू द फंक्शन। ये वेरिएबल हमेशा लोकल रहेगा फंक्शन के अंदर, इसको ग्लोबली हम नहीं कर सकते डिक्लेयर। ओके एंड दिस दैट सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। सो अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई हो तो लाइक करना, और इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन प्लीज़ राइट ऑन टू द कमेंट सेक्शन। सो मैं उसका रिप्लाई जल्दी से जल्दी करूँगा। एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड का नॉलेज ग्रो करने के लिए, कम्युनिटी नॉलेज ग्रो करने के लिए। सब्सक्राइब टू माय चैनल विद दी हिट ऑन टू द बेल आइकन ऑल्सो फॉर गेट दी मोर अपडेट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।